अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे आए हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और ये देखें मौसम कितना अच्छा है, आज फुल सनी डे है। और ये हम हैं फ्रूट सेक्शन में और फ्रूट सेक्शन में काफ़ी कलरफुल आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे फ्रेश। और ये मैंगोज़ हैं। मैंगोज़ आपको पता है कि पाकिस्तान के बेस्ट होते हैं, यहाँ के मैंगो इतने अच्छे नहीं हैं। और ये ऑरेंजेस काफ़ी अच्छे निकले थे और मैंने भी ले लिए। इधर देखें एप्पल्स की कितनी वैरायटी है, एप्पल भी हैं, पियर्स भी इधर ही पड़े थे। और ये देखें पोटैटोस, तो यहाँ पे इतनी किस्मों के मिलते हैं। मेरे ख़्याल में अमेरिका में बहुत ज़्यादा पोटैटोस उगाए जाते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको हमेशा नज़र आएंगे हर स्टोर में। और ये देखें ये यहाँ पे अनियंस, मेरे भी अनियंस ख़त्म हो गए थे घर में। और ये हैं बनानास, बनानास यहाँ के काफ़ी साइज़ में आप देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान के कंपेयर करें तो उससे काफ़ी बड़े हैं लेकिन टेस्ट वाइज इतने अच्छे नहीं होते। और ये देखें ये है बेकरी का सारा स्टफ़। और ये देखें चीज़ के ब्लॉक्स पड़े हैं इतने बड़े। और ये है यहाँ पे सैलेड बार, कौन से लेने हैं आपने? ये मिक्स ले लो और चॉकलेट। चलो चॉकलेट, यहाँ पे हम पाकिस्तानी नान बहुत मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस जो चीज़ करते हैं वो पाकिस्तानी नान है। ये नान काफ़ी अच्छे। और ये सेक्शन है जहाँ पे सारे चीज़ योगर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी यहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ पे फ्लेवर्ड भी मिल जाते हैं। और ये जो मैंने योगर्ट लिया है ये इसके ऊपर एम लिखा हुआ है, ये मुस्लिम्स का उसके लिए ऊपर चांद का निशान है, वो इसका मतलब है ये हलाल है, इसमें कोई जेलेटिन वगैरह नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कैरेट जूस, 100% जूस है कैरेट और इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की एडिड शुगर नहीं है। यहाँ से मुझे ये चाहिए था स्कॉच ब्राइट क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया हुआ था। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं, ब्रशेस वगैरह भी हैं, मिस्टर क्लीन भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखें सारे डिश डिटर्जेंट्स, ये सारी इस तरह की ही चीज़ें थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी हो गई है ग्रोसरी डन और बस अब मेरी बेटी देखें कैसे हेल्प कर रही है, उसका दिल करता है हर काम में अपने मामा बाबा की हेल्प करती रहे घर में। इसको होता तो मैं डिशेस करूं, इधर अब ग्रोसरी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड तो उसको है कि मैं साथ साथ हेल्प करूं। तो अच्छी हैबिट है, ये होनी चाहिए बच्चों में शुरू से ही, आपको छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों में ये वाला एहसास डालना चाहिए कि इन्हीं चीज़ों से बच्चों के अंदर एहसास पैदा होता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो चाहे वो किसी भी और रिश्ते को लेकर, तो ये हैबिट्स इसी एज में बनती हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से स्टारबक्स की तरफ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने को। तो यहाँ मेरी बेटी ने फरमाइश की थी केक पॉप की और मैंने फरमाइश की थी कॉफ़ी की। और आजकल है यहाँ पे पम्पकिन का सीज़न, पम्पकिन स्पाइस वाली यहाँ पे कॉफ़ी बहुत लोगों को क्रेज़ है, बहुत शौक से पीते हैं। मुझे पर्सनली इतनी नहीं पसंद लेकिन फॉल्स के सीज़न में पम्पकिन कॉफ़ी आपको हर तरफ नज़र आएगी, जो भी कॉफ़ी शॉप्स हैं आपके लिए हर चीज़ में, बल्कि पम्पकिन पाए और वैसे भी पम्पकिन हर तरफ पम्पकिन हो गया हो जाता है इस सीज़न में। ये देखें ये मेरे लिए भी था एक केक पॉप जो मुझे भी अच्छा लगता है। अब हम जा रहे थे घर की तरफ, ग्रोसरी हो गई डन और इतना प्यारा मौसम था, मैं बार बार खुश हो रही हूँ मौसम को देख के क्योंकि यहाँ पे सनी मौसम किसी किसी दिन ही होता है, मोस्टली यहाँ पे रेन। पाकिस्तान की रेन बहुत अच्छी लगती है पर यहाँ पे इतनी रेन होती है कि दिल उकता जाता है रेन से, फिर बल्कि उल्टा डिप्रेशन होता है रेन में। तो बस आप ये सामान गाड़ी में जा रहे और इसके बाद हम चलेंगे इधर ओना की तरफ, फिर मैं आपको घर में जाकर दिखाऊंगी जो भी हमने ग्रोसरी की है।
ये हम पहुंच गए हैं घर और ये देखें सारी ग्रॉसरी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने सारी इस तरह से रखी है। ये सारी चीज़ें आज हमने ली, इसमें ना ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं है आज और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं है, बस ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे अगर मेरी रसीद, तो इसके ऊपर आप देखेंगे $166 आज का बिल बना।